आलोक जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि जो माफिया राज पर कार्रवाई की बात आ रही है, चाहे प्रयागराज हो, मेरठ हो, वाराणसी हो, गाजीपुर हो, तमाम कार्रवाई हुई है, लेकिन विपक्ष का कहना ये रहता है कि आप लोग कार्रवाई चुन चुन कर करते हैं। आप भले ही कह रहे हैं कि 2024 का एजेंडा माफिया खत्म करना है, लेकिन जो आपके करीबी है उस पर बुलडोजर आपका नहीं चलता। जो पीछे ले जाना चाहते हैं, कानून की नज़र में जो अपराधी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। और अगर इसका सही जवाब अगर देने की बात है तो मुझे लगता है कि लिटमस टेस्ट जनता की अदालत में होता है। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, बुलंद तरीके से हमने जीत हासिल की थी। 36-37 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इसलिए रिपीट हुआ था क्योंकि हमने शानदार काम किया, चाहे वो माफिया के क्षेत्र में हो, चाहे आम आदमी को बढ़ाने की बात हो, चाहे जो वंचित तबका है उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर इसकी चिंता सरकार कैसे करे। तो मुझे लगता है जो परिवर्तन आया था 19 मार्च 2017 के बाद 5 सालों में, वो परिवर्तन उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा और उसी का असर है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन इससे पहले होता क्या था, पिछले 15 सालों में 2024 के लिए एजेंडा सेट हो रहा है, पूर्वांचल से शुरुआत भी बीजेपी ने कर दी है। कल चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें बीजेपी की या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, दोनों माफिया राज पर बरस रहे थे और उन्हीं को निपटाने के लिए तमाम बैठकों का दौर भी चल रहा है। आप क्या मानती हैं कि जो अपराध की मुक्ति है या माफिया राज को मिटाने का मामला है, ये 2024 में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? नहीं, बिल्कुल शुरू कर दिया है, वो तो काफी पहले से शुरू कर दिया था जब से टेनी का बचाव किया। और अमित शाह जी बता रहे थे कि प्रदेश में दूरबीन से बाहुबली नहीं दिखाई दे रहा है और बगल में टेनी खड़े थे। और अब तो नकल माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, वन माफिया सभी इनकी पार्टी में शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय माफिया पार्टी रख देना चाहिए। तो अब जब जंगल में सब शामिल ही हो गए, तो अब साधु संतों का नाम ही तो ब्रजभूषण शरण सिंह है, साधु संतों का नाम ही तो कुलदीप सेंगर है, साधु संत ही चिन्मयानंद थे और साधु संत थे एमजे अकबर। तो ये दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी लोगों की पार्टी है। ये 24 घंटे 12 महीने 365 दिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के मोड में रहते हैं और कैसे भी कैसे ने सत्ता प्राप्त करना ही इनका मूल उद्देश्य है। और जहां कहीं भी लोकतंत्र की विजय हो, जनता अपना जनादेश व्यक्त करे, वहां किस प्रकार से खरीद फरोख्त के माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग करा, किसी भी तरह से मतलब खरीद फरोख्त करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को गिरा कर कैसे अपराधियों, माफियाओं और बाहुबलियों को सत्ता में लाकर स्थापित किया जाए और देश की संपत्ति और संस्कृति का दोहन किया जाए, यही भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र। देखिए, एक लंबी लिस्ट सुची जी ने गिरा दी और वो उस जिक्र घटना का कर रही हैं कि मंच पर टेनी जी खड़े थे और गृह मंत्री कह रहे थे कि दिखता नहीं है माफिया यूपी में। देखिए, माफिया यूपी में सुची जी अगर देखना चाहें तो 19 मार्च 2017 के पहले 15 सालों तक सपा और बसपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे। मैं तो कह रहा हूं कि जब अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों ने बनाया या समाजवादी पार्टी को जिताया, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के चेहरे को जिताया, लेकिन भरोसा नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश को उसी तर्ज पे ले जाएंगे जिस तर्ज पे पहले समाजवादी पार्टी ले जाती रही है। मुख्तार अंसारी वैसे ही एक इलाके में राज करते थे, पूर्वांचल के लोगों से आप नहीं, आलोक जी आप सुची जी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति उसको पुलिस ढूंढ रही है, वो क्रिकेट खेलता हुआ दिख जाता है। नहीं, सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ सुची जी की। उस समय किस तरीके के हालात थे पहले ये भी तो देख लें। जब अखिलेश यादव जी का 5 साल का समय था, कितने दंगे हुए थे? 500 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। मुजफ्फरनगर दंगा आपको अच्छी तरीके से याद है, किस तरीके से मंत्री ने वहाँ के एक दरोगा को फ़ोन किया। मुझे इतराज नहीं कि उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन अगर इस बात पर किया होता कि जो अगर अपराधी है उसको जेल में डाला जाए और जो गुनहगार नहीं है उसको बाहर रखा जाए, तो मुझे लगता है कि एक मंत्री का काम ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि जो शासन उस समय का था उसी को खत्म करने की कोशिश जनता ने की है। और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही है तो निश्चित रूप से हम अच्छा कर रहे हैं। 2014 में हमने शानदार जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की, 2019 में हमने शानदार जीत हासिल की,
इससे पहले जो विधानसभा का इलेक्शन था उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने सपोर्ट किया, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को दिख रहा है ना साहब, आपकी नज़रों से क्रिमिनल्स को नहीं देखा जाएगा, कानून अपना काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बस एक आलोक जी आपने अभी भी उस पर बात नहीं की, हाथ बांधा नहीं, चाहे वो टेनी जी पर सवाल था या फिर प्रशासनिक सिस्टम, उनका सवाल जो पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन क्रिकेट खेल रहे थे, पूरे प्रदेश ने वीडियो देख लिया, तो उन लोगों किसी भी, क्या वो कार्रवाई के दायरे में नहीं है? मुझे लगता है नहीं, अगर जो वर्दी जिसको ठीक समझेगी उस पर कार्रवाई करेगी साहब, जो भी अपराधी होगा कानून की नजर में अपराधी होगा, गिरफ्तार होगा, देर सवेर हो सकती है लेकिन कोई बक्सा नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी के शासन में, 6 साल का ये इतिहास रहा है। आज मुख्तार अंसारी कहां है, जेल में, अतीक अहमद कहां है जेल में, इनके यहां तो एक मंत्री हुआ करते थे बुंदेलखंड में नदियों का जो दोहन करते थे और मंत्री सदन में बैठकर जो व्यभिचार करते थे, आलोक वर्मा जी आप चले जाइए, कहना चाहेंगे जालौन में आप चले जाएंगे ना, क्यों बैठे थे आप, आज भी चले जाइए जालौन, आप चले जाएंगे तो आपकी आंखों से यकीन हट जाएगा अपनी आंखों से किस तरीके से वहां पर खनन हो रहा है। वो खेल तो अभी भी चल रहा है आलोक जी, अभी मैं देख के आया हूं 15 दिन पहले। नहीं खेल, अरे 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 खेल की कोई तस्वीर भी दिखाइए ना, आपके पास चैनल है, कई बार तस्वीर दिखा चुके हैं आलोक जी, आपके पास मीडियम है, तस्वीरें तमाम बार दिखाई जा चुकी हैं, जो अरे अरे जो तस्वीर, जो भी तस्वीर आपने दिखाई होगी, जो भी तस्वीर दिखाई होगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि कहीं इक्का दुक्का कुछ नहीं होता होगा, लेकिन सिस्टम का कहीं कोई सपोर्ट, किसी इस तरीके के किसी काम में सिस्टम का सपोर्ट नहीं है। ठीक है सुजी विश्वास जी, जो गड़बड़ हो रहा है उसमें सिस्टम, एक समय बाद एक समय ऐसा था जब आप तस्वीर भी दिखाते थे तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, गायत्री प्रजापति क्या करते थे, कहां पैसा जाता था गायत्री प्रजापति का। ठीक है सुजी जी जवाब ले लेते हैं, कि आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आपने स्पष्ट देखा कि एक भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने वाजिब और माकूल नहीं दिया। आपने आम कहा तो वो इमली अंगूर अमरख पूरी सारी फलों की लिस्ट बताई लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देखिए अभी मैंने पहले ही कहा कि समस्त जो अपराधियों के साथ जो इनका साठ गांठ है, जो इनका नेक्सस है, और ये वर्तमान की आप क्या बात करते हैं, क्लीन चिट दे देकर तो इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी के मुकदमे हो साक्ष्यों के अभाव में बरी, ब्रजेश पाठक जी के मुकदमे हो साक्ष्यों के अभाव में बरी, माननीय होम मंत्री जी का रिकॉर्ड छोड़ा, गृह मंत्री की बात कर लें चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें चाहे लॉ मिनिस्टर, ये तो इनकी परिपाटी है, ये इनका पैटर्न है, ये हाथरस जाते हैं वहाँ पीड़िता के पेट पे, उसके पिता को पेट पे लात मारते हैं, पीड़िता को पेट्रोल से फूंक देते हैं, ये लखीमपुर खाते हैं, बारे में जरा बता दीजिए, जरा उनको भी बता दीजिए, उनको संरक्षण किसने दिया था, उनके ऊपर किसका हाथ था, जरा ये भी बता दीजिए, गायत्री प्रजापति का नाम भी ले लीजिए जरा सा, जो आज जेल में है, जो आपके मंत्री हुआ करते थे उनके बारे में भी जरा बता दीजिए, अरे उन पर भी बता दीजिए साहब, हमें हाथरस में क्या करना है, हमें लखीमपुर में क्या करना है, हमको मुजफ्फरनगर में क्या करना है, हमको शिमला कब बनाना है, हमको 80-20 कब करना है, हमको कटुता कब बढ़ानी है, हमको वैमनस्यता कब बढ़ानी है, हमको सांप्रदायिकता कब बढ़ानी है, हमको कम्युनल क्लैशेस को बढ़ावा कब देना है, तो इनका सेट पैटर्न है। अरे जो लोग राम मंदिर के चंदे में चोरी करके चंपत हो जाते हैं और उस चंपत राय को संघ जाकर के क्लीन चिट दे देता है, ऐसे शेमलेस लोगों को जो तमाम दंगों में आरोपी के बाद क्लीन चिट हो जाते हैं, तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, तमाम लोग संवैधानिक पदों पर हैं। सुची जी गायत्री प्रजापति में भी कुछ कह दीजिए, लेकिन इनके जरा उस पर भी कुछ कह दीजिए, वो कौन थे अखिलेश शासन में कौन थे, आपने उनको मंत्री क्यों बनाया था, आपको जनता ने, एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।